एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास CDNP जिगमंड एजुकेशन के अंतर्गत। और आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड ही है, तो चलिए देखते हैं इसको बोर्ड पर। पिछले दिनों हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विद्युत विभव के बारे में पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन और फार्मूला दोनों देखे थे। आज हम विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड के रिप्लेसमेंट में एक और वर्ड हम देखना चाहेंगे, एक शब्द और देखेंगे, और वह शब्द है विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम बार बार पोटेंशियल डिफरेंस ही वर्ड यूज करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मींस यह डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट है। समझा जा सकता है कि टू पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो पॉइंट ए और बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बी पर क्या है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, बी में से ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, भी बी माइनस भी ए, पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम बात करते हैं कि ये निकालेंगे कैसे, तो हमें चलना पड़ेगा इसकी बेसिक डेफिनेशन में। अब बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी, बेसिक डेफिनेशन इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग बोल के देखिए बन जाए तो बनना चाहिए डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी बिंदु पर विद्युत विभव की माप उस कार्य से की जाती है जो एकांक धन आवेश को अनंती से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहले इन्फिनिटी से ए तक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा वर्क डन डब्ल्यू ए, यह वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू ए कहलाएगा। ठीक है, डब्ल्यू ए, जबकि दूसरा वर्क डन हम क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहां कहां तक लाएंगे, पॉइंट बी तक लाएंगे। कहां तक लाएंगे बोलिए, पॉइंट बी तक लाएंगे, ये देखो यहां से यहां तक। और ऐसी स्थिति में जो वर्क डन है वो कितना माना जाएगा, डब्ल्यू बी माना जाएगा। अब अगर डायग्राम को ध्यान से देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां से इन्फिनिटी से बी तक की लाइन कॉमन है, हमको क्या निकालना है, भी बी माइनस भी ए, मीन्स क्या निकालना है, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। ठीक है, तो डब्ल्यू ए में से डब्ल्यू बी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करना मतलब यहां से यहां तक कट कर देना, और अगर हम इतना कट कर देंगे तो देख सकते हैं कितना बचेगा, ये देखो यहां से ये कट कर दिया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये अब कैंसिल हो तो कितना बचता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पर कि बी से ए तक का बचता है, मतलब ये वाला वर्क डन है। ठीक है, ये देख लो मतलब क्या हुआ, कितनी आसानी से इसकी डेफिनेशन निकल रही है। अब देखो डेफिनेशन हम चेंज करेंगे, ठीक है, किसकी डेफिनेशन देनी है अपन को, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, मतलब विभवांतर की परिभाषा।
पूरा वर्ड वही बोलना पड़ेगा, लेकिन ये इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक नहीं लाना, हमको क्या लाना है, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट तक लाना है। तो चलिए हम डेफिनेशन बोल के बताते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब किसमें होना चाहिए, कहीं ना कहीं चार्ज क्यू यहां पर प्लस क्यू रखा होगा, तो यहां पर क्या बन गया होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यह सब किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से की जाती है जो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। तो यहां पर फिर से बात वही आएगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो होता नहीं है, यह एक क्या है, इमेजिनरी थॉट्स है, मतलब कल्पना मात्र है ये। तो हम क्या लेते हैं इसके लिए, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश ले लेते हैं। परीक्षण आवेश क्यू नॉट को यूज करेंगे हम पॉइंट बी से ए तक लाने में, कितना वर्क डन हुआ, डब्ल्यू हुआ, तो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। इस प्रकार से ये जो आया पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वो कितना आएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, कितना आएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी दे सकते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो फिर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, विभवांतर भी क्या होगा, ये स्केलर ही होगा, अदिश ही होगा, ठीक है। तो बात क्लियर है ये। इसका अगर हम बात मात्रक की करें, SI यूनिट की करें, तो पोटेंशियल मींस पोटेंशियल होता है, इसलिए इसकी भी यूनिट कितनी होगी, बोलिए वोल्ट ही होगी, कितनी होगी, वोल्ट, ठीक है। चलिए इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम। यहां पर हम सोच लेते हैं ऐसा कि ये पॉइंट अपना बना हुआ है जहां पर चार्ज प्लस क्यू रख दिया गया था, ये लो इसको हम और आगे थोड़ा कर देते हैं समझने के लिए, और ये देखिए, और इस प्लस क्यू की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं आप लोगों से, आप बताइए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी टू पॉइंट्स हैं, इनमें विभव का मान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान की वैल्यू किसमें से ज्यादा होगी, ए में ज्यादा होगी, बी में ज्यादा होगी, सोचिए आप लोग सोचिए। प्लस क्यू चार्ज की वजह से, या यूं कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण, ठीक है, पॉइंट ए और बी हैं, तो इन पॉइंट्स में से किस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, विद्युत विभव का मान ज्यादा होगा, ए में ज्यादा होगा या बी में ज्यादा होगा, सोच लिया। अब टेस्ट करिए आपका आंसर गलत है कि सही है। पॉइंट ए में विभव ज्यादा होगा और पॉइंट बी में क्या होगा, विभव कम होगा, ठीक है। अब इसका आपको रीजन भी पता होना चाहिए। सिंपल अगर देख करके हम कहना चाहते हैं, देख सकते हैं कि पॉइंट ए क्यू के बहुत करीब पास है, इसलिए विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका प्रभाव ज्यादा होगा, और ये दूर चला जाता है बिंदु बी, इस वजह से बिंदु बी में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। वैसे अपन चाहे तो इस फार्मूले को भी देख सकते हैं, V इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के एंड Q अपॉन R। ये देखिए R कहां पर है, अपॉन में, डिनोमिनेटर में है, हर में है, इस वजह से R का मान अगर कम होगा, ये देखो Q से यहां तक की डिस्टेंस R कही जाएगी, कम है तो फिर V का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इससे भी समझ सकते हैं, और R का मान अगर ज्यादा हो गया तो V का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शॉर्ट में वैसे इसी बात को ध्यान रखना ज्यादा बेहतर है कि जो पॉइंट चार्ज के जितने करीब होगा वहां पर विभव का मान उतना ही
ज्यादा होगा। तो चलिए हम यहां पर मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, भी है, तो हमें पॉइंट बी में क्या बोलना पड़ेगा, भी के मुकाबले थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम मतलब यहां पर हम ले लेते हैं भी माइनस डी भी, ठीक है। ये ए और पी बी पॉइंट जो है बहुत पास पास में है। साथ ही साथ यहां पर हम क्या करते हैं, हम पॉइंट ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हम मान लेते हैं। वो डिस्टेंस मान लो कितनी है, डी आर है। डिस्टेंस कितनी है बोलिए, डी आर है। अगर ये डिस्टेंस डी आर है तो फिर हमें टेस्ट चार्ज की कल्पना कहां करनी है, पॉइंट ए पर करनी है। फर्स्ट पॉइंट तो अपना ए ही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोलिए, ई है। अब एक बार फिर से एक ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों से पिछले दिन हमने कहा था कि यह कम से कम 50 या 100 टाइम्स आपके 12th के सिलेबस में बार बार हम पूछेंगे, उसका यूज होगा। तो फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, किससे बनता है किससे नहीं बनता है, अपने आप का टेस्ट कर लेना। अगर नहीं बनता है तो आप बहुत ही ज्यादा केयरलेस और लेजी स्टूडेंट हैं, आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है। बहुत सिंपल, कई बार इस फार्मूले को यूज किया जाता है और उसको बार बार लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या है कि कोई चार्ज क्यू, एनी चार्ज क्यू, ठीक है, कहां रख दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया गया है, तो उस पर एक्टिव फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, उसमें लगने वाले बल का मान कितना होगा। सोचा, जिनसे आंसर बन गया उनको हम वेरी गुड, अच्छा बोलेंगे, और जिनसे नहीं बना तो उनको हम अच्छा नहीं बोलेंगे। क्लास में अगर होते तो हम जरूर खड़ा करते और आप लोग जिससे जिससे नहीं बनता उसको जरूर क्लास में खड़ा करते हैं, ठीक है, और ऑर्डर देते कि पूरे पीरियड में आपको खड़े खड़े ही पढ़ना है। तो जिनसे नहीं बना वो अपने स्थान पर वास्तव में खड़े हो जाएं भाई, और इसके बाद अपना पनिशमेंट लें, और आइंदा इस बात का ध्यान रखें कि हमें पढ़ाई अच्छे से करनी है, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या बोलना चाहेंगे कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से, ठीक है, लगने वाला फोर्स कितना है। ये फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू कितना, ई। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं बोलिए, इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। बस अब अगर अपन को विभवांतर की बात करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है, तो क्या बोलना पड़ेगा, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी वी माइनस वी ए, ठीक है। यह कितना होगा, वी वी में कितना माना था हमने, ये आसानी से देख सकते हो, बी में कितना बोलिए, वी माइनस डी वी, और ए में कितना बोलिए, वी है। तो चलो यहां पर हम लिखते हैं, ये हो जाएगा वी माइनस डी वी, और माइनस कितना बोलिए, वी इज इक्वल टू कितना होता है फार्मूले से, वी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, वी अपॉन क्यू नॉट। क्यों होता है फार्मूले से, पोटेंशियल डिफरेंस, ये देख लीजिए, विभवांतर का मान कितना होता है, वी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यहां पर देख सकते हैं कि वी से वी कैंसिल हो जाएगा, वी है प्लस का और ये क्या है, माइनस का, यहां कितना आ जाएगा, माइनस डी वी। इस प्रकार से यहां कितना आया बोलिए, माइनस डी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब ये डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू को अपन को कंप्लीट बताना पड़ेगा कि डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये कंप्लीट आपको यहां लिखना चाहिए, तभी आप उस बात को अच्छे समझ सकते हैं। हिंदी में W क्या है, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य।
और क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश, ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हम W के बारे में जानना चाहेंगे। W क्या होता है? W होता है एफ एस कॉस थीटा। कार्य की परिभाषा है ये, है फार्मूला ये। ये देखिए कितना होगा यहां पर F। अब S कितना है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये देख लो बीच की दूरी कितनी है, अच्छे से देखो, ये है dr। कितनी है? dr। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? dr लगाएंगे। ये लो, ये लगा दिए हमने यहां पर dr। अब cos थीटा, cos थीटा क्या होगा? यहां पर पूरी सीधी लाइन है और यहां से एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में ला रहे हैं। थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? 180 हो सकती है, या डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हमने डायरेक्शन वाली बात पहले से यहां लिख ली है माइनस में, इसलिए हम यहां क्या लिखना चाहेंगे? जीरो लिखना चाहेंगे। तो कॉस जीरो या कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए? 1 हो जाएगी। कितना आ जाएगा? एफ इंटू डी आर। ठीक है, इस प्रकार से अब ये वैल्यू हम लगा देते हैं यहां पर, कितना आ जाएगा बोलिए? माइनस डी वी इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर अपॉन क्यू नॉट। अब एफ की वैल्यू कितनी है? इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, क्यू नॉट इंटू ई है, लगा दो तो ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर अपॉन क्यू नॉट। से क्यू नॉट क्या हो जाएगा बोलिए? कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा बोलिए? ये बचेगा माइनस डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी आर। तो फिर डी वी, तो फिर E इज इक्वल टू लिख लो, चलो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का डी वी और डी आर अपॉन में चला जाएगा ये डी आर। ठीक है, ये एक फार्मूला आया या एक रिलेशन है किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस। डी वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर। ठीक है, ये एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच में संबंध है। ठीक है, ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें आता है एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अलावा इसमें एक टेल बनती है, एक पूंछ बनती है, जो पूंछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी 2 मार्क्स में आ सकती है। यहां पर जो हमने ये डी वी अपॉन डी आर ऑब्टेन किया है, पाया है, इसे फिजिक्स में एक अलग नाम से जाना जाता है। डी वी अपॉन डी आर को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट हिंदी में कहलाती है ये विभव प्रवणता। ठीक है, तो अब इस विभव प्रवणता की हमें परिभाषा बतानी है। बहुत आसानी से बता सकते हैं इसको हम, बहुत दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखो, इसको हम जनरेट करके देख लेते हैं। हम क्या समझेंगे कि डी आर डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज आता है? डी वी आता है। तो यूनिट के लिए कितना आएगा बोलिए? डी वी अपॉन डी आर आएगा। इस प्रकार से यूनिट मतलब ये रेट कहलाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं किसकी रेट है ये? वी के लिए रेट है। किसके लिए रेट है ये? किसकी दर है ये? वी के लिए। किसके सापेक्ष? विथ रिस्पेक्ट टू आर बोला जा सकता है। अच्छे सुनेंगे, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं।
ठीक है, लेकिन किस में? विद्युत क्षेत्र में। तो ये शब्द शुरू में लगाना पड़ेगा, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इंग्लिश में द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यह क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट कितनी होती है बोलिए? इसकी यूनिट होती है, देखिए वी की यूनिट कितनी हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी। और अपॉन डिस्टेंस की यूनिट कितनी हो जाती है? मीटर हो जाती है। समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम एक बार फिर से सिस्टमेटिक रूप में पूरा क्वेश्चन कैसा आएगा, आंसर कैसा लिखना है, उसको दो मिनट में एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये हमने पहले से आप लोगों के लिए सिस्टमेटिक लिख लिया है और इसको ध्यान से देखें और इसको समझने के बाद नोट भी कर लेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन होगा अपना। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विभवांतर से क्या समझते हो या आप क्या समझते हैं? विभवांतर व विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करो। ठीक है, आंसर में क्या लिखेंगे ये देखिए। सबसे पहले हमें आंसर में क्या लिखना होगा? आंसर में लिखना होगा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। ये देखिए लिखा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन, अभी जो बोला था समझाया हमने, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय वी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। ठीक है, हिंदी में यही बात लिखेंगे क्या? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से की जाती है जो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में करना पड़ता है, इसे भी से दर्शाते हैं। ठीक है, यह एक क्या है? अदिश राशि है और इसका SI मात्रा कितना है? वोल्ट होता है। ठीक है, अर्थात हम बता देंगे, डायरेक्ट लिख दिया फार्मूला हमने यहां पर, अर्थात विभवांतर भी बराबर कितना? W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब यहां पर इनको क्लियर जरूर करना है कौन क्या है। ये देख लो, W लिख दिया है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब ये डायग्राम हमने बनाया, यहां लिख दिया रिलेशन मतलब संबंध स्थापित कर रहे हैं, हिंदी में संबंध लिख लेंगे। ये देखिए यहां पर क्या रखा गया है? प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। यहां क्या रखा गया है? प्लस क्यू चार्ज, क्यू नॉट नहीं, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू। इसका यहां पर कोई रोल नहीं रहेगा अपने डेरिवेशन में, सिर्फ दिखेगा ही, इसलिए कई बार राइटर इसको लिखता तक नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लिख सकते हैं यहां पर पॉइंट कौन कौन से हैं, ए एंड बी। और ये देखिए, ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मान लिया गया है? भी मान लिया गया है। और बी पर कितना? भी माइनस डी भी मान लिया गया, क्योंकि ए से बी में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है बोलिए? डी आर है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई वेक्टर है। ये देखिए, इसी सब बात को हमने वर्ड में आप लोगों की सुविधा के लिए लिख दिया है, आपको आंसर ढूंढना न पड़े बुक में। और ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, बहुत बेहतर ढंग से लिखा गया है। कंसीडर टू पॉइंट ए एंड बी एट अ सेपरेशन डी आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वी एंड एट पॉइंट बी इज वी माइनस डी वी। माना कि किसी बिंदु
किसी विद्युत क्षेत्र ई में डी आर दूरी पर दो बिंदु ए व बी हैं। बिंदु ए पर विद्युत विभव भी है और बिंदु बी पर कितना है, वी माइनस डी भी हो जाता है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र ई के कारण बिंदु ए पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, देखिए अभी हमने फार्मूला लिखा था इंग्लिश में, नाउ एक्ट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट ए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये देखिए लिखा हुआ है, कितना लिखा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, अब बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर वी बी माइनस बी ए, वी बी की वैल्यू लगा दी गई है यहाँ पर और ये लगा दी गई है वी ए की, और ये डेफिनेशन से डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, वही सब समझाया अभी अभी हमने, एफ इंटू डी आर लिख दिया हमने यहाँ पर, या थीटा। ध्यान देंगे इस बात का, इस बात को हम अच्छे से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर डेरिवेशन टू टाइप से कर सकते हैं, हम चाहते तो यहाँ पर ए पर ये मान लेते भी प्लस डी भी ले सकते थे तो फिर बी पर कितना आता, वी आता। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर हमको क्या करना पड़ता, थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पर कितनी लेनी पड़ती, 180 में कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन हो जाती है, इस वजह से फिर यहाँ पर माइनस आ जाता। तो बात वो एक ही है, जहां पर लेना हो एक बार ऐसा अपन को लेना पड़ेगा। मतलब क्या कहा जा सकता है कि जो विद्युत क्षेत्र ई होता है, ठीक है, और ये विभव प्रवणता जो लास्ट में निकलती है, इन दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। विद्युत क्षेत्र अगर इस तरफ है तो विभव प्रवणता क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये देखो एफ की वैल्यू लगा दी है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है, फिर वही आ जाता है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये हमने डेफिनेशन लिख दी सिस्टमेटिक, ये लिखा हियर क्वांटिटी डी वी अपॉन डी आर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ डी वी अपॉन डी आर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब यहाँ पर हमने ये परिभाषा लिख दी है, ये देख लो पढ़ सकते हैं यहाँ पर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रा क्या होगा, वोल्ट पर मीटर होगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इसकी टेल जरूर तैयार करें, अच्छे से लिख करके देखें और पूरा क्वेश्चन तैयार करके देखें। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए तो आप जो टेस्ट हम ऑनलाइन लेते हैं वो टेस्ट ईमानदारी से दें और सभी स्टूडेंट्स दें। जो स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं देंगे निश्चित रूप में उनका रिजल्ट खराब आएगा और वो फेल हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए टेस्ट दें और अपनी आंसर शीट फोटो खींच करके हमारे पास जरूर भेजें। ऐसा करेंगे तो इससे आपकी गलतियां सामने आएंगी और उनमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन जो टेस्ट देगा ही नहीं वह अपने आप में पहले ही मान ले कि उसका रिजल्ट सही नहीं है। आप समझ सकते हैं बात को कि किसी भी वार में युद्ध होता, युद्ध में कोई जाता है तो हारता है और जीतता है, नहीं जीत पाया तो हार जाता है, हारने की बात फिर उसकी कमियां निकाली जाती हैं, फिर दोबारा उसकी तैयारी होती है और आखिर फिर वह जीतता है। लेकिन जो युद्ध में जाता ही नहीं है वह कभी भी नहीं जीत सकता है। इसलिए आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए, टेस्ट में शामिल होना एक छोटा सा वार ही है अपनी स्टडी का, और हमें क्या टारगेट, क्या अचीवमेंट चाहिए है, हमको अपना अच्छा रैंक बना करके और बेहतर दिशा में आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, तो इसको पूरा तैयार करें और हमको लिख करके जरूर भेजेंगे। उम्मीद है फिजिक्स का यह प्रश्न आपने अच्छे समझा और एग्जाम के हिसाब से आप इसकी अभी ही तैयारी करेंगे और होमवर्क करके हमारे पास जरूर भेजें। कुछ स्टूडेंट्स हम देखते हैं होमवर्क टाइम पर नहीं करते, बहुत डिले करते हैं, बाद में भेजते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स होमवर्क भेजते ही नहीं। आप सोचें ऐसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट खराब आएगा। पेरेंट्स भी ध्यान दें, जब रिजल्ट आता है
तो आपको लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे का रिजल्ट कुछ कमजोर आ गया, आज देखने का समय है उसे और निर्देशित करने का समय है। आप गलती यह करते हैं कि अपने बच्चे को बड़ा मानने लगते हैं और उसे फ्री छोड़ देते हैं। थोड़ा सा आप उसको निगरानी में रखिए और यह देखिए वह पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है। और फिर इम्पोर्टेंट बात वही है जो स्टूडेंट्स के लिए है, आप पढ़ेंगे करेंगे अपने लिए, आप आगे बढ़ पाएंगे, आपका करियर बनेगा, इसलिए देरी बिल्कुल ना करें। तुरंत क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करें, अच्छे से लिखें, जब तक होमवर्क पूरा ना हो तब तक उसे करते रहें और उसके बाद जितने जल्दी हो सके वह होमवर्क हमारे पास भेजें। और हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखें, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।